काले धन को लेकर एक तरफ जहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी काले धन के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम अखिलेश यादव इसके उलट अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि काला धन अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। नोटबंदी के फैसले पर अखिलेश ने कहा कि मंदी में काला धन अर्थव्यवस्था को बचाता है। अपने बयान के लिए अखिलेश ने अर्थशास्त्रियों का हवाला दिया है। हालांकि फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वह काले धन के खिलाफ हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता को दुख दिया, परेशानी दी है। जो सरकार जनता को दुख देती है, जनता उसे हटा देती है। आपको बता दें कि विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सपा बसपा ने मोदी सरकार के इस फैसले को गरीब विरोधी बताया है। एक तरफ नोटबंदी को लेकर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं सरकार से लेकर विपक्ष सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस कड़ी में यूपी के सीएम अखिलेश यादव का काले धन पर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। हालांकि बाद में वो अपने बयान पर सफाई देते हुए भी नजर आए। देखते रहिए डीबी लाइव।